छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर निगम में ड्यूटी के दौरान राजस्व अधिकारी ने दारू पार्टी की। इस दौरान निगरानी के लिए उन्होंने एक आदमी को भी गेट के बाहर खड़ा कराया था। शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के संज्ञान में आने के बाद उनके द्वारा नगर निगम दुर्ग के आयुक्त को जांच के लिए कहा गया था। परिणाम स्वरूप दुर्ग नगर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर के द्वारा वीडियो की जांच के उपरांत दोषी पाए जाने पर तत्काल राजस्व अधिकारी दुर्गेश गुप्ता और उनके साथ दो सफाई कर्मचारी को निलंबन का आदेश दिया। साथ ही भविष्य में इस तरह के कृत्यों को रोकने के लिए सतत निगरानी की जाएगी। शिकायत मिलने पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये अभी मीडिया की न्यूज़ के थ्रू ही पता चला था और इसमें जब संबंधित कर्मचारी से बात की गई तो उनका कहना है कि कोई जनप्रतिनिधि थे, वो आए हुए थे, वो बॉटल लेके आए थे, इनको हटाने की कार्रवाई कर रहे थे, मगर इसमें और तफ्तीश कर रहे हैं और अभी नोटिस जारी हुआ है, उसका जवाब उनका तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही हम इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस तरह का जो घटना है वो बर्दाश्त लायक है। इस तरह की शिकायत तो किसी ने नहीं की थी, अभी मीडिया के ही माध्यम से संज्ञान में आया है और पूर्व में कहीं कहीं पे ऐसी बात आई थी तो मौखिक रूप से इनको वो किया गया था, क्योंकि वारदात में जब पकड़ में आते हैं तो तुरंत कार्रवाई हो पाती है, अदरवाइज हर आदमी अपने आप से इनकार कर देता है।